हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, गोल बाज़ार से आज मैं बहुत सारे शॉपिंग करके लेके आई हूँ। तो देखिए, मैं गोल बाज़ार से ये बाटिक प्रिंट साड़ी खरीद के लेके आई हूँ। ये देखिए, ये पिंक कलर के ये है, बड़ी बुआ के लिए जो कि अनमेरिड है, उनके लिए लेके आई हूँ। और ये है छोटी भाभी को देने के लिए। ये देखिए, ये वाला, ये बाटिक वाला प्रिंट है ना, बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत अच्छा होता है पहनने में ये गर्मी में। तो ये भी हल्का पिंक कलर में है, ये छोटी भाभी के लिए। और इधर मैं रखी हूँ और एक बाटिक प्रिंट का है। इस बार में ना बाटिक प्रिंट में मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए बाटिक प्रिंट ही लेके आई हूँ। वंदना साड़ी देख सकते हैं, और ये है मम्मी को देने के लिए। ये है ऑफ वाइट में है, तो ये इस तरह सा है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा साड़ी मैं क्यों शॉपिंग करके लाई हूँ, उसका रीज़न भी बताती हूँ। और बहुत दिन हो गया है मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, उसका रीज़न भी बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिए। और ये दान करने के लिए, बड़ी वाली भाभी के लिए, उसके नाम पर। एक्चुअली क्या हुआ है ना, हो गया है आज एक हफ्ता से हमारी जो बड़ी भाभी है, हम लोग को छोड़ के चली गई है। तो उसके वजह से ही हमारे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। और ये है छोटी जो भाई, उसका छोटे भाई का बच्ची मतलब भतीजी का है, फ्रॉक खरीदे है। तो उसके कारण से ही मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। और हम लोग का जो ये रज संक्रांति गया, उड़ीसा का सबसे फेमस फेस्टिवल, जिसमें कि आप लोग को बहुत सारे वीडियो में दिखाई थे, हम लोग कैसे रोजे मनाते हैं, झूला झूलते हैं बच्चे लोग, फिर पोड़ो पीठा बनाते हैं, वैरायटी वैरायटी पीठा बनाते हैं। तो इस साल कुछ भी नहीं हो पाया। इस तरह से दुर्घटना हो गया हमारे घर में, अचानक बड़ी भाभी हम सभी को छोड़ के चली गई। क्या कर सकते हैं, जो भगवान का नियत है हम लोग तो उसको बदल नहीं सकते हैं, जो भी है। तो उसके क्रियाकर्म के लिए ही ये सब मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। तो जितना भी घर में हमारे होते हैं सदस्य, तो उनके लिए कपड़ा खरीदा जाता है, उनको दिया जाता है। और जिस दिन क्रियाकर्म होगा, उसका पहले दिन हम लोग जो डेथ किए हैं उनके नाम पर जितना भी कपड़ा है, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह और श्रृंगार का सामान सब दान करते हैं। और गंगा में जाके नहाते हैं उस दिन, जो अस्थि विसर्जन करते हैं, जो दूसरे लोग को दान करते हैं। बोला जाता है कि दान करने से भाभी को, मतलब जो डेथ करते हैं उनको मिलता है। तो इसी हिसाब से मैं भी लेके आई हूँ। और ये सब है भाई लोग को देने के लिए। तो मेरा दो भाई है, आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे। तो ये पेंट लेके आई हूँ, ये कॉटन का है। और ये एक्चुअली मैं एम बाज़ार से लेके आई हूँ, गोल बाज़ार से बस साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह लेके आई हूँ। और ये पेंट है एम बाज़ार, जो खड़गपुर इंदा में है, उधर उसमें से लेके आई हूँ। तो ये वाला अच्छा लगा मुझे, कॉटन का, अभी गर्मी में पहनने के लिए, कभी भी पहन सकते हैं ये कॉटन का। तो ये मैं जो बड़ा वाला भाई है उसके लिए, और ये बनियन है, ये लाइट ब्लू ब्लू कलर में है, ये लेके आए हैं। तो इसको देंगे, ये बड़ा वाला के लिए ही है। और छोटा वाला के लिए भी बनियन और वही पेंट ही खरीद के लाए हैं, पापा के लिए खाली बनियन ही लेके आए हैं। ये देखिए, लाइट ब्लू कलर में, कैमरा में थोड़ा सा और भी लाइट दिख रहा है, लेकिन ब्लू ही कलर है इसका। ये देखिए, कैमरा में कुछ अलग अलग ही दिख रहा है। ये देखिए, और ये है पापा के लिए, ये थोड़ा सा लाइट, मतलब लाइट तो नहीं, थोड़ा सा डार्क ब्लू में है, ये भी ब्लू ब्लू है, अच्छा लगा। तो एम बाज़ार में ठीक ठाक ही कपड़ा मिलता है, अच्छा क्वालिटी का भी मिलता है, मैं बहुत बार यहाँ से ख़रीदी हूँ, और इसीलिए जब भी मैं आती हूँ एम बाज़ार से ही लेके आती हूँ। छोटे वाला भाई के लिए ये भी बनियन है, ये हल्का ग्रीन कलर का है। ये देखिए,
थोड़ा सा कम दाम में ही मिल जाता है क्वालिटीदार कपड़ा, और मैक्स में तो बहुत ही महंगा रहता है, इसलिए मैक्स में नहीं खरीदती हूँ। ये देखिए, ये है लाइट ग्रीन कलर का, सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा भी है, और उसके लिए भी पैंट वही सेम पैंट ही खरीदे हैं। और ये एम बाज़ार की तरफ से ये बैग दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैग है, कपड़ा वगैरह आप भर के कहीं ले भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए चार्ज लेता है, कोई भी शोरूम में जाइए बैग के लिए तो चार्ज लेता ही है। तो देखिए इस तरह से मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अभी 10:30 बजे का रात का वीडियो है। यहाँ पे देखिए कुछ महिलाएं अल्पना बना के वहाँ पे अपना घट में नीम पत्ता रख के खड़े हैं माता का आवाहन करने के लिए। तो आज खड़गपुर में माता पूजा है, आजकल ना हर दिन माता पूजा हो रहा है खड़गपुर में इस महीना में, मतलब जून महीना में। पहले तो मैं जिस साल आई थी यहाँ पे उस साल तो बस एक ही माता पूजा देखने को मिलता था, आज तो हर दिन माता पूजा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए दो इंसान कैसे शेर बने हुए हैं, और इतना गर्मी में हालत कैसे ख़राब हो रहा है सबका, और लेकिन सब इस तरह से सज धज के माता को ले लेके सब जा रहे हैं माता मंदिर, यहाँ पे खड़गपुर में आप लोग अगर देखे होंगे तो उधर जा रहे हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब माता पूजा में शामिल है, देख सकते हैं। तो आज हम लोग को देखने के लिए मौका मिला है, बहुत सारा हो गया माता पूजा हम लोग नहीं देखे थे। और देखिए बच्चे लोग कैसे डांस कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे आ गए हैं माता, देख सकते हैं उस साइड में जिनका येलो येलो फेस है, और ये तो एक इंसान है जो कि माता बनी हुई है डांस करते आए हुए। और यहाँ पे जो लेडीज लोग खड़े थे ना अल्पना बना के, उन लोग वहाँ पे माता का पैर धूल दे रहे हैं, और हम लोग भी चले गए थोड़ा सा अंदर, मतलब पास में माता का थोड़ा सा आशीर्वाद ले लिए, पैर छू लिए। ये देखिए, ये है माता जो कि एक इंसान मुंडी में लेके और जा रहे हैं, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम लोग थोड़ा सा प्रणाम भी कर लिए माता को। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।